भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर से माफी नहीं मांगनी चाहिए। सच्चाई ये है आदरणीय दोस्तों के ये पूरा देश आज सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई कोर्ट के निर्णय के बाद उन सब लोगों से जिन्होंने 2G को घोटाले का नाम दे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी और देश के उच्चतम पदों पर काबिज हुए आज उनसे जवाबदेही और जिम्मेवारी मांगने का दिन है। हमें उम्मीद है कि मीडिया के भी वो सब साथी जो कई बार इस दुष्प्रचार से इस षड्यंत्र और साजिश से प्रभावित हुए थे आज वो भी उनसे जवाब मांगने का साहस दिखाएंगे। इसके साथ साथ जहां हम 2G के 2G के फैसले पर जो अदालत का निर्णय आया है उस पर तसल्ली जाहिर करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बजाय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भारतीय जनता पार्टी अपना रिएक्शन दे और आज भी अपनी झूठ असत्य साजिश और षड्यंत्र पर अड़ी रहे। समय आ गया है कि वो इस देश को जवाब दें कि 3 साल तक इस देश की बढ़ोतरी इस देश की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ साजिश और इस देश को बदनाम करने का घिनौना षड्यंत्र क्या केवल उन्होंने सत्ता पाने के लिए किया? क्योंकि अब ये बात जग जाहिर है, प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जी पर, पूर्व सेना के प्रमुख पर, पूर्व उपराष्ट्रपति पर इसी प्रकार के उन्होंने पाकिस्तान से मिलीभगत के झूठे आरोप लगाए और अब संसद में जवाब देने की बजाय कन्नी काटते घूम रहे हैं। तो चाहे वो 2014 से पहले और चाहे 2014 के बाद भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र साजिशकारी षड्यंत्रकारी है और वो 2G के सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की अदालत के फैसले से अब ये साबित हो गया है। देश उम्मीद करता है कि कम से कम आज प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चाई का सामना करेंगे, क्योंकि उनके षड्यंत्रकारी काले बादलों से छटकर जो सच्चाई निकली है वो देश के सामने जग जाहिर है और वो देश से माफी मांगेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जनत में ये पूरा मामला है और कांग्रेस भी, डीएमके भी और सब राजनीतिक दल अब देश के 125 करोड़ लोगों से ये जरूर कहेंगे और देश के 125 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, अरुण जेटली जी से, सुषमा स्वराज जी से और पूरी भाजपा से जिन्होंने 3 साल तक इस देश की संसद को नहीं चलने दिया, इस देश में बदनामी का एक माहौल पैदा किया, पूरे देश की व्यवस्था को बदनाम किया, देश की संस्थाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, विनोद राय के साथ मिलकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रकारी खेल जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को और देश को नुकसान हुआ उसके लिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब तो देना पड़ेगा। अरुण जेटली said just a few minutes ago, he's also given a soundbite to us, that Congress party should not wear this verdict as a badge of honor because the policy, the allocation policy was a corrupt policy. That's which is adding to that, he says that the investigative agencies are going to have a closer look at it because the Supreme Court had only appointed the prosecutor in the case. एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी जो झूठों के सरदार हैं आज उनकी यही हालत है, क्योंकि झूठों की सरदारी और सरकार की जिम्मेवारी में यही अंतर है जो सच का आईना आज उनको अदालत ने दिखाया है। हम श्री अरुण जेटली जी से पूछते हैं, उनके कार्यकाल में 3 घोटाले सीएजी सामने लेकर आया, एक 46,000 करोड़ का घोटाला जो कांग्रेस ने उजागर किया, एक 23,821 करोड़ रुपए का घोटाला जो कांग्रेस ने उजागर किया कैट की रिपोर्ट के आधार पर, और एक जो 4 दिन पहले कैट की रिपोर्ट आई है जो 2,500 करोड़ का घोटाला कैग ने बताया है स्पेक्ट्रम की रिकवरी में, क्या इसके लिए अरुण जेटली जी जिम्मेवारी लेंगे?
क्या जांच करवाएंगे? क्या उन्होंने 43 महीने में इन टेलीफोन स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करवाई, वो पैसा जनता का वापस रिकवर करवाया? और आज मैं फिर ये दोहराता हूं, जब श्री अरुण जेटली और श्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठे इल्जाम घड़े श्री विनोद राय के साथ मिलकर, तो कांग्रेस ने फिर भी प्रजातंत्र की जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई की थी। हमने ना केवल मुकदमा दर्ज किया, ना केवल जांच करवाई, और उस जांच का आज पटाक्षेप हो गया। पर क्या अरुण जेटली जी और श्री नरेंद्र मोदी जीएसटीसी स्कैम 20,000 करोड़ का जो घोटाला सीएजी ने बताया है, जो मोदी जी की नाक के नीचे हुआ, उसकी जांच करवाएंगे और मोदी जी की जिम्मेवारी और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे?